Hi guys, welcome to Super Quick Revision. हम लोग next topic start कर रहे हैं, that is just in time system. एक दो चीजें जरा याद रखना, just in time, TPM, TQM, these chapters help you to run your business in a better way. These are new techniques, these are philosophies, ताकि your business can be run in far kind of a better way with better sales, lesser cost, etc. Okay, so let's start away with just in time. Now, just in time का एक popular चीज़ जो सब लोग वो सोच लेते हैं, sir, no stock, sir. Honestly, वैसा नहीं होता है. No stocks वाला concept दुनिया में शायद नहीं हो सकता. You will always have stocks, no? Okay. लेकिन just in time का मतलब क्या होता है? Now, before I will say about just in time, उसका एक close concept is a pull system concept. Okay. Now, pull system concept क्या होता है? तो सुनो. Traditionally, दुनिया में push system होता था. Now, we want to move towards pull system. That is kind of the philosophy of just-in-time system. Abhi, push system kya hota hai? Pull system kya hota hai? To suno. Push system, aise zara socho. Ye tumhara manufacturer hai. Ye sara ka sara chain manufacturer se start hota hai under push system. Usko goods banana hai. Kitna banaye? Zyada bana dega, to stock zyada ho jayega. Working capital requirements will increase, interest will increase, interest burden will increase, kyunki stocks ke andar aapka paisa pada hua hai. To traditionally log kya kar lete the, estimate maar lo yaar ki demand kitna aayega, uske hisab se production kar lena, theek hai. Lekin zara socho, you supply the goods to the wholesaler, tum log usko distributor bhi bol sakte ho. Distributor ko nahi malum retailer se demand kabhi aayega, क्योंकि रिटेलर को भी नहीं मालूम कि कस्टमर से डिमांड कब आएगा. तो क्या होता था, होलसेलर भी स्टॉक रखता था, रिटेलर भी स्टॉक रखता था, ठीक है. तो जब भी कस्टमर से डिमांड आया, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट गोज टू द रिटेलर. रिटेलर के पास स्टॉक होएगा, अगर नहीं होएगा ही विल टेक इट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक तो होएगा, नहीं होएगा ही विल ऑर्डर. लेकिन एट ईच एंड एवरी प्लेस देयर विल बी स्टॉक्स. एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोडक्शन एस्टिमेट किया रहेगा, उसके बेसिस के ऊपर उसने सप्लायर को बोला होगा भाई मेरे को मटेरियल भेज देना, ठीक है. तो मटेरियल भी भेजता रहेगा. तो ज़रा सोचो, तुम अगर मैन्युफैक्चरर है, यू विल हैव रॉ मटेरियल स्टॉक्स ऑल्सो, यू विल हैव फिनिश गुड स्टॉक्स ऑल्सो, एंड समथिंग विल बी इन वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो. और कस्टमर इस पूरी चेन के अंदर इधर बैठा हुआ है. कस्टमर्स तभी ना, ये वाला जब भी कंसेप्ट बहुत फेमस था वो दुनिया के अंदर, पुश सिस्टम, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दुनिया में नहीं होती थी. सो जो भी प्रोडक्ट मिला खरीद लो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है. तो यू डिड नॉट हैव अ चॉइस एज सच. एग्जांपल से 1985 आपको कार खरीदनी होती थी इंडिया में, दो ही ऑप्शन थे, या मारुति या फीएट, और कोई ऑप्शन नहीं था. तुम लोग मारुति को जाके ये नहीं बोल सकते आई वॉन्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम इन साइड द कार. ओके, वो लोग बोलेंगे जाओ. ओके, अभी जाओ तुम लोग किधर जाओगे, फीएट तो उससे भी बुरा था. ओके, तो टाइम्स चेंज्ड. There was lot of negative things over here क्योंकि stock की requirement बहुत ज़्यादा होती थी. Then we thought, can we do something else? And hence, due to the need of the hour, came across pull system. Pull system, customer order करता है, वो order retailer को जाएगा, retailer वो वाला order distributor को देगा, distributor वो वाला goods बनाना start करेगा based upon the orders. Okay. एंड ऑब्वियसली जब भी ऑर्डर कर रहा है उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जितना रॉ मटेरियल चाहिए सप्लाई कर देगा सप्लायर. ऐसे केसेस के अंदर स्टॉक का रिक्वायरमेंट ऑनेस्टली बिकम्स वेरी 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 लेस. आई विल नॉट से इट विल कम्प्लीटली बिकम जीरो, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव, बट देन इट बिकम्स वेरी 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 लेस. दिस इज पुल सिस्टम. याद रखना, पुल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम्स, ERP सिस्टम्स of retailer, distributor, this and this have to be very good ताकि orders capture हो सकें. क्योंकि जैसे ही order retailer के पास आया, it has to go to the wholesaler, to the manufacturer. Manufacturer has to tell the supplier कि भाई तू material भेज. Okay, all these things no will require good systems ताकि these things happen faster. This is a concept of just-in-time system कि जो चीज़ जब चाहिए तभी बनाओ, बस पहले से स्टॉक्स मत रखो, और अगर रखो भी जितना कम हो सकता है उतना कम स्टॉक्स रखो. This is from where a new concept had started to arise called as just-in-time systems, whereby just-in-time we try to exactly get the things whenever we want. Now these things honestly improve the quality of the business,
रिक्वायरमेंट्स कम हो जाता है, जगह का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है. आपको एक सिंपल एग्जांपल वो देता हूँ. हम लोग बुक्स के लिए जस्ट इन टाइम सिस्टम तकरीबन फुल एक्सटेंट के अंदर फॉलो कर लेते हैं. मैं अपनी क्लास के अंदर कोई बुक्स वगैरह स्टॉक नहीं रखता हूँ. जिस दिन बैच स्टार्ट होने वाला होता है उसे एक दिन पहले आई टेल माई सप्लायर प्लीज़ यू प्रिंट एंड यू सेंड द बुक्स. ओके, वो मेरे को ज़्यादा चार्ज करता है बट ही सेंड्स मी द बुक्स व्हेन द बैच इज़ अबाउट टू बी स्टार्टिंग. उसके अंदर मेरा स्टोरेज स्पेस नहीं जाता टू स्टोर द बुक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग्स हैपन फास्टर. येस, एक डिसएडवांटेज भी है, आई हैव टू बी पेइंग मोर कॉस्ट. ओके, क्योंकि मैं उसको एक दो दिन का ही टाइम देता हूँ लेकिन फिर मेरा काफ़ी खर्चा बच भी जाता है. अगर सपोज मैंने बुक्स पहले से ही ऑर्डर कर दी, स्पेस जाएगा, दैट इज़ वन थिंग. रेंटल्स वगैरह कॉस्ट विल राइज. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर माइट बी एक्स्ट्रा स्टॉक्स और शायद कई सब्जेक्ट्स लाइक टैक्स या IDT, वो वाला तो बुक्स तो अगर एक साल तक नहीं गया इट विल बिकम वेस्ट फॉर अस. ओके, सो दैट इज जस्ट इन टाइम. नाउ जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट वही है दैट ट्राई टू टेक व्हेनेवर एंड व्हाटएवर यू रिक्वायर. एक्स्ट्रा चीज़ मत रखो. तो हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट किए थे. अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था ऑफ जस्ट इन टाइम, ए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड इन वन ईयर, क्यू नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज्ड एट वन टाइम. जस्ट इन टाइम के अंदर क्वांटिटी जो आप लोग खरीदोगे कम से कम खरीदोगे. कॉस्ट पर यूनिट, दिस वॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस वॉज आई इंटरेस्ट रेट. CI कैसे कंप्यूट होता है, CPU into I, दिस इज द इंटरेस्ट कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. CI मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा प्लस तुम्हारा कोई भी और कैरिंग कॉस्ट है वो भी वो डाल देना, इंश्योरेंस का प्रीमियम, मटीरियल हैंडलिंग, वो सब. टोटल परचेज कॉस्ट पूरे साल के ना ए यूनिट्स वो खरीदोगे, एवरी यूनिट विल बी परचेज एट CPU. उसके बाद TCA टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, दैट विल बी ए बाय क्यू इनटू CA. TCI विल बी नथिंग बट टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर. एक बारी में क्यू यूनिट्स खरीदते हो तो एवरेज स्टॉक क्यू बाई टू हो जाएगा इनटू CI. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो तीन कॉस्ट इधर आ जाएगा प्लस कोई भी और कॉस्ट जो आप लोगों को दिया हुआ है. ये कॉस्ट अपने को सबसे कम करने का है. तो नाउ यू विल हैव टू बी डूइंग योर कैलकुलेशंस. अगर ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो ये कॉस्ट कितना होगा, अगर कम कम क्वांटिटी एक बारी में खरीदोगे तो ये वाले कॉस्ट कितने भी होंगे. जिधर भी अपना कॉस्ट कम होएगा दैट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी द बेटर ऑप्शन. हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, दिस वॉज स्लाइटली इन रिलेशन टू योर चैप्टर ऑफ EOQ जो CA इंटर के अंदर था. उसके बाद टाइप्स ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन एंड जस्ट इन टाइम परचेजिंग. जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कस्टमर से ऑर्डर आया तभी प्रोड्यूस करने का, फालतू के अंदर ज़्यादा ज़्यादा गुड्स बनाकर नहीं रखने का. ओके, एक एडवांटेज, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी वेरी लेस. लेकिन याद रखना, कभी अगर डिमांड सडनली बहुत ज़्यादा आ गया यू विल हैव टू टेल योर वर्कर्स टू डू ओवर टाइम. ओके, तो तुम्हारे कॉस्ट शायद बढ़ भी जाएँ. ओके, जस्ट इन टाइम परचेजिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं ना, हम लोग सप्लायर को बोल देंगे कि भाई वी आर सेंडिंग आर इंजीनियर्स टू योर फैक्ट्री, दे विल इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. जो रॉ मटेरियल ठीक है वही फैक्ट्री के अंदर, सॉरी वही ट्रक के अंदर लोड होगा और ट्रक एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसी जगह पर भेज देना जहाँ पर मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है. मेरे को रॉ मटेरियल स्टोर वगैरह नहीं करने का है, सेंड इट एग्जैक्टली एट द टाइम एंड प्लेस दैट आई रिक्वायर. ये सब चीज़ें बोलने के लिए बहुत ईजी होता लगता है, वाओ व्हाट सिस्टम्स. ओके, बट ऑनेस्टली दे आर वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इन दिस केस यू कम्युनिकेट टू द सप्लायर एग्जैक्टली वॉट एवर यू रिक्वायर एंड यू विल गेट अ सप्लायर हु एग्जैक्टली सेंड्स वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट टू अचीव इन रियल लाइफ बट विद टेक्नोलॉजी, विद द कम्युनिकेशन सिस्टम्स दैट वी ऑल हैव टूडे, इट इज बिकमिंग पॉसिबल टू सम एक्सटेंट. ओके, आगे evaluation of any proposal that reduces stock. आपको ना mostly जो questions आएंगे वो pull versus push system के ही आएंगे. Pull system बोले तो JIT system. Okay, तो वहाँ पर अगर आप लोग एक बारी में छोटा छोटा lots खरीदते हो, अपने पास finish goods का stock नहीं रखते हो, तो obviously तुम्हारा interest cost बचेगा क्योंकि your carrying cost will start to fall क्योंकि आप लोग stock नहीं रखोगे. लेकिन disadvantages भी तो हैं, stock outs हो सकते हैं,
Apart from that, in this particular case, agar chote chote order karoge, number of times you'll have to order will rise, ordering cost will rise. Kabhi kabhi shortages bhi ho sakte hain because you're ordering the quantity such a short lots. Aur agar kabhi agar demand zyada aa gaya to shortages bhi ho sakte hain. Workers ko overtime bhi pay karna padega. So this will be the relevant gain. Ye thi humara decision making wala part hai. Okay. Aise hum logon ne ek do questions kiye the. Other factors to be considered. Do remember that other factors ke andar kabhi bhi agar wo puche, suppose just in time ke andar tumhara cost kam aa gaya, suppose proposal acha hai, likh ke rakhna. Just in time is a pull system that responds to the demand, and company should ensure that it can implement just in time system in a flawless way. Flawless way matlab perfect way. Jab goods ka demand aaya tabhi production karenge. Agar aisa kar sakte ho, then just in time systems are good. Jab production karne ka hai tabhi raw material aayega, that time it is good. Varna all the systems are not very good as such. Okay, so just in time concept wise bahut acha lagta hai. Companies want ki just in time system wo ho jaye, although practically it will be very difficult to achieve. Try to achieve it to the extent you can. So other factors can, you can try to say this particular thing. Please ensure that company can implement just in time system taki working capital ka requirements almost become zero. Okay, chali. That's it about just in time. I like to see you all in the next lecture. We'll take away the next concept at that particular time. Okay, thank you guys. Bye.